हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वह क्या है जिसके लिए हम तरसते हैं। हम कुछ कार्य करने और कुछ गतिविधियों में शामिल होने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वे हमें खुश करेंगे, लेकिन क्या हम खुशी के सही मायने से वाकिफ हैं। हम अक्सर खुशी को कई बाहरी कारणों से जोड़ते हैं। हम अक्सर अपना सारा प्रयास अपने इंद्रियों की संतुष्टि में खर्च कर देते हैं, हालांकि इस तरह से प्राप्त होने वाली खुशी केवल अस्थायी खुशी होती है और दुख के चक्रों से जुड़ जाती है। सच्ची खुशी केवल शांतिपूर्ण मन से ही आ सकती है, जो किसी भी बाहरी एजेंट पर निर्भर नहीं है और हर स्थिति में अविचलित रहता है। जिस प्रकार पानी महान महासागर में प्रवेश करता है, जो सभी तरह से भरा होने पर भी अविचलित रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं होता है, अकेले ही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो पीछे भागता है। ये इच्छाएं और ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मन की शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरे। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियाँ यह बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आईने में देख ले, हौसला होना चाहिए। ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखोगे, यह दुनिया आपको वैसे ही नज़र आएगी। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ, वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे परिवार, खुशी का राज आज़ादी है, आज़ादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है जिस चीज़ से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। किसी और को खुश करने के प्रयास का सह उत्पाद खुशी है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज़्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। खुशी किसी भी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीज़ें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से न डरे और उस काम को न छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वो पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना खुशी पैदा किए उनका उपयोग करे। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप ही मिलती है। हम जो भी करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें अपनी खुशी तलाशते हैं। एक तरह से देखा जाए तो
तो खुशी ही हमारे जीने का मकसद होती है। खुशी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में सकारात्मक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जब खुशी आती है तो जीवन में प्रत्येक कार्य में मन लगने लगता है। जीवन में कोई भी कार्य यदि सही तरीके से करना है तो खुशी के बिना हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्णा।